बीरबाल दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बीरबाल दिवस के अवसर पर कहा कि आज वीर साहिब जाधव के त्याग बलिदान वीरता और साहस की महान पराकाष्ठा को याद करने का दिन है। उन्होंने अपने धर्म संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि नन्हे साहिब जाधव ने अत्याचारियों की बात न मानते हुए सिख धर्म की उस महान परंपरा को आगे बढ़ाया जिसमें अन्यायी शासकों के सामने कभी न झुकने की महान शिक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन महान गुरुओं को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया। राज्यपाल ने साहिब जाधव बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के महान बलिदानी साहिब जाधव पुत्रों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे वीर योद्धाओं की शहादत को चिरस्थायी बनाने का महान कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ये क्षण भारत के महान इतिहास में एक युगांतकारी क्षण है जिसे युग युगों तक याद किया जाएगा। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जो हम सबको अवसर मिला है, जो पूरे राष्ट्र ने, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी 2022 को जो घोषणा की कि हर साल हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे, आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1705 के अंदर में जो साहब जाधव ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, जन के लिए, धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट जो अपने प्राणों की आहुति दी, जो एक उदाहरण सेट किया, इतने सालों के बाद में आज हमने ये दिन नियुक्त किया है कि हम सब भारतीय उस शहादत को, उस बलिदान को नहीं भूले।